नमस्कार, आज हम एक छोटे से वीडियो में जानेंगे हमारी ओरा को हम कैसे लॉक कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमें हजारों आसुरी शक्तियाँ रोकती है, और वो आसुरी शक्तियाँ हमें मेडिटेशन की ओर आगे नहीं बढ़ाती। तो ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास प्रवेश ना करें, इसीलिए सबसे पहले हम अपनी ओरा को लॉक करें और बाद में मेडिटेशन करें। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हम ओरा को कैसे लॉक करें। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओरा लॉक करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहले जो ये हमारी उंगली है, पांच उंगली है, वो पांचों उंगलियाँ सिंबल है ब्रह्मांड के पंच तत्व का। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांचों उंगलियाँ इसका सिंबल है। वो पांचों उंगलियों को हमें पांचों तत्वों को ऐसे मिलाना है, फिर सहस्त्रार चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक ऐसे लाइन बनानी है। एक लाइन ऐसे, फिर राइट से लेके ऐसे, ऐसे हमने अपने ओरा को लॉक कर दिया। अब दूसरा, या तो गायत्री मंत्र या तो मृत्युंजय महामंत्र, इस दो में से कोई एक मंत्र को लेके हमारे आसपास की जो हमारी रेंज है, हमारे ओरा की रेंज है, उसे लॉक करना है। ऐसे मैं आपको बताती हूँ, और तीन बार करना है इसे। ये ओम भूल भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार, ओम भूल भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दूसरी बार, ओम भूल भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तीन बार इस तरह से हमने अपनी ओरा को बिल्कुल लॉक कर दिया है। अब बाहर की कोई आसुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति हमारे अंदर आ नहीं सकती। ओरा को लॉक करने के बाद सबसे पहले हमें अपने गुरु का आह्वान करना है आज्ञा चक्र पर। गुरु का, आपके जो कोई भी गुरु है उसका आह्वान करें, उसका आंखें बंद करके उसकी जो आकृति है और उसका जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप, उसका ध्यान करें। उसे सूक्ष्म रूप से अपने आज्ञा चक्र में आह्वान करें और उन्हें कहे कि हे गुरुदेव, मेरे मन के उद्वेगों को शांत करें तथा एक चित्त होके मैं ये ध्यान कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करें। इस तरह से कहने के बाद सबसे पहले ध्यान करने के लिए आप भाव करेंगे शुक्राना का, जिसे कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियाँ हैं उन्हें हमें शुक्रिया कहना है। ईश्वर को हमें शुक्रिया कहना है कि हे ईश्वर, तूने इतना अच्छा शरीर दिया, शुक्रिया। इतना अच्छा जीवन दिया, शुक्रिया। इतने अच्छे मधुर रिश्ते दिए, शुक्रिया। इतने अच्छा नौकरी दी, व्यापार दिया, इतने अच्छे घर के लोग दिए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सद्बुद्धि दी कि जिससे मुझे शुक्रिया का भाव आए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जो ग्रेटिट्यूड का भाव है, वो भाव के बाद आप माफ़ी प्रार्थना जरूर करना। माफ़ी प्रार्थना कोई भी हो सकती है। हम होपोनोपोनो प्रेयर भी करते हैं, जो जापान में बहुत प्रचलित है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, ऐसे प्रार्थना करके आपको कोई भी आत्मा, आपको ऐसा भाव करना है कि मन, वचन और कर्म से किसी को भी मैंने नुकसान पहुंचाया है तो ईश्वर, परम कृपालु परमात्मा, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, मेरे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आपको जिसका नाम लेना है, जिस पर्टिकुलर, जैसे कि मेरी ओर से मेरे हस्बैंड को मैंने दुख पहुंचाया है तो क्षमा, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के लोगों का, सबका नाम लेके भी आप माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी एक माफ़ी प्रार्थना जो आजीवन, यानी कि इससे इस जीवन में और इससे पहले वाले जीवन जो हम कई बार आ चुके और जा चुके हैं, उसमें जीव जंतु, फूल पौधे, डालियाँ, वृक्ष और पशु पक्षी, आत्माएँ, जिसका भी हमने मन, वचन, कर्म से नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए माफ़ी प्रभु, माफ़ी, माफ़ी, ऐसी माफ़ी प्रार्थना करने के बाद ही आप
मेडिटेशन करें। मेडिटेशन कोई भी हो, लेकिन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और माफ़ी प्रार्थना मतलब प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस हमें जरूर करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको लोक करिए, माफ़ी प्रार्थना करें और ग्रेटिट्यूड का भाव रख के मेडिटेशन करें। देखते रहिए दिव्य ओम।